भरे हैं। सपोर्ट की कमी ना भारतीय टीम के लिए होगी, ये है प्लेइंग कंडीशंस, क्योंकि बारिश की वजह से विघ्न पड़ा और गेम देर से शुरू हो रहा है, इसलिए 18 ओवर का मुकाबला होगा। करीबी मामला, बाहरी किनारा और पहली सफलता लीजिए, विकेट ले ली है मेघना सिंह ने और वापस जाना पड़ेगा डगआउट इरम जावेद को। खाता नहीं खुला है पाकिस्तान की टीम का। पहली दो बॉल भी आउट स्विंगर थी जिन्होंने, इरम जावेद ने मिस किया था, बट यहां पे थोड़ा सा अंदर किया पिछले बॉल से, खुशियां देख सकते हो, बड़ी बड़ी विकेट मिली है यहाँ पे इरम जावेद को। जाना पड़ेगा जीरो पे, पाकिस्तान जीरो पे एक। हवाई रुख अपनाया है और चार रन मिल जाएंगे। इस बार ऑन साइड पे बाउंड्री राइडर है लेकिन गेंद से बहुत दूर, चार और मिड विकेट की दिशा में। छोटी गेंद, टॉप एज मिला लेकिन फिर से कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं, चार रन और। एक बार फिर से हवा में बॉल है, कैच करने के लिए डाइव लगाई, पहुंच नहीं पाई। ऐसे स्ट्रोक्स खेले हैं तो जरूर 120-125 बन सकते हैं। बड़ी अपील ये एलबीडब्ल्यू के लिए, प्लम इन फ्रंट, एक बड़ा विकेट मिला। कप्तान बिस्मा क्या वापस जाएंगी, सोच रही है रिव्यू के बारे में। Ball tracking, pitching in line, impacts in line, wickets hitting, back to low. और प्लम नहीं हो सकता था, बिल्कुल मिडिल के बीच में, बिल्कुल। सिग्नल नाउ, सिग्नल आउट नाउ, थैंक यू। मेरे ख्याल से काफी लेट हो चुका था, देखिए आप कंट्रोल चेक की स्ट्रोक को और एक आसान सा कैच स्नेह राणा के हाथ में। मुनीबा भी अब वापस गई 32 रन पर 51 पर 3। एक बार फिर से वही प्रयास, अब जेमी नहीं पहुंच पाएगी। लेग कटर का प्रयास है, बॉल आसमान में और फिर जेमी के हाथों में, एक बार फिर से विकेट चटकाई है रेणुका ने और रौनक लाई है अपनी बॉलिंग में। स्कायर थी ये, लगती आसान है, इतनी आसान होती नहीं है, ये बहुत अच्छी कैच और रेणुका ठाकुर को इस कंपटीशन में एक और विकेट। आयशा नसीम आउट हुए 10 पर, स्कोर है 64 पर 4। पहली गेंद पर 13वें ओवर की चौका। राधा राधा, ये रन आउट का मौका।
पर रेस में तो इतना समय था कि इंतजार करके भी बेल्स हटा सकती थी, वही किया शेफाली वर्मा ने। ये देखिए हाथ मिला लीजिए, पर वापस नहीं पहुंच पाएंगी टाइम से। ओम माय मा सोहेल को जाना पड़ेगा 10 रन पे, पाकिस्तान 80 पे 5। देखने को मिल सकता है उनसे, ओह 4 रन मिल जाएंगे। अच्छी बॉलिंग प्रदर्शन, इनफील्ड को एक बार आप पार करा दें तो 4 तो मिलेंगे। सिंगल डायरेक्ट हिट और ये करीबी मामला हो सकता है। 3 स्टंप्स थी एम करने के लिए, मिड ऑफ से एक बेहतरीन थ्रो है ये। Yeah, so wickets are broken. I am ready to make my decision. और सिंगल के बीच ये डिसीजन आएगा आउट का, 18 पर आउट आलिया रियाज। आखिरी गेंद इस ओवर की, कैच! ओह, क्या ये कॉटन बोल्ड है? सॉफ्ट सिग्नल आउट का है, यानी ऑन फील्ड अंपायर्स के हिसाब से तो ये आउट है। Okay, fingers going under the ball, ball in hand, fingers under the ball. Okay, do you have any other angles for me, Gavin, please? Nothing better. Okay, thank you. I am ready to make my decision. Thank you. Third umpire ke paas koi wajah nahi hai decision badalne ka, to soft signal out ka tha, out ka hi signal rahega. Wicket milti hui Shefali Verma ko. 96 पर 7 पाकिस्तान। स्टंपिंग होगी ये, बिल्कुल जी हां, कायनात इम्तियाज को जाना पड़ेगा वापस पवेलियन। ये देखिए कोई चांस नहीं था वापस क्रीज में पहुंचने का डायना बेग के लिए। 97 पर 8 पाकिस्तान। Down the track, सिंगल तो मिलेगा ही, क्या 2 की तलाश होगी? जी हाँ, और रनआउट का भी मौका है, विकेट होनी चाहिए, बिल्कुल होगी। एक और रनआउट आज की पारी में पाकिस्तान के लिए, ये आज की इनिंग्स के अंदर 3रा रनआउट है। प्रेशर डालने की कोशिश थी कि 2 रन ले लें, कहीं से हल्का सा मिसफील्ड हो या थ्रो इतना अच्छा ना हो, पर आसान कंफर्टेबल। 99 पर 9 पाकिस्तान थी कि 2 रन ले लें, कहीं से हल्का सा मिसफील्ड हो या थ्रो इतना अच्छा ना हो, पर आसान कंफर्टेबल बाउंस पे मिली बॉल राधा यादव को। निन्यानवे पर 9 पाकिस्तान। विकेट आखिरी गेंद पर पारी की, राधा यादव सफलता प्राप्त करती हुई अपने 3रे ओवर की आखिरी गेंद पर, जो पारी की भी आखिरी गेंद थी। कहते हैं ना कि 99 के फेर में फंस गई पाकिस्तान। हल्की सी मूवमेंट मिली है, करीबी मामला था, लेकिन पहला रन ये भारत का। बड़ा शॉट इसी बीच स्मृति मानधना का, पहला छक्का भारतीय पारी का स्मृति मानधना के बल्ले से। इस बार फिर से वही जगह पर रन बटोरे स्मृति मानधना ने, 4 रन और जड़ दीजिए, 12 बिना किसी नुकसान के। लीजिए, आपने जिक्र किया स्मृति मानधना की स्ट्रोक मेकिंग का, एक और मुजाहिरा। कमाल का शॉट, देखिए लुत्फ उठाइए, देखिए लुत्फ उठाइए। हर बार रीप्ले देखेंगे, हर बार आप सराहना करेंगे स्मृति मानधना की। इस बार गैप ढूंढ निकाला, जैसे सुई में से धागा डालते हैं।
वाला शॉट खुलकर खेला शेफाली वर्मा ने, अपना पावर दिखा रही है शेफाली वर्मा। कैच की मांग है, टॉप एज हुआ था लेकिन इनफील्ड के पार, चार रन और। जी हां बिल्कुल गई, इस बार मिड ऑफ के ऊपर से चौके पे चौका। शॉर्ट बॉल और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। स्क्वायर लेग पर फील्डर तैनात थी लेकिन तब भी स्मृति मांदना को चार रन मिल जाएंगे। स्टेप आउट हवा में, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं और अगर फील्डर मौजूद भी होती तो कोई फायदा नहीं होता। फील्ड के साथ खिलवाड़ हो रही है। जैसा जिक्र किया था आधे से ज्यादा रन तो बाउंड्री से ही आए, क्या एक और बाउंड्री यहां मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। एक बार फिर से चार रन, क्या कमाल की बल्लेबाजी चल रही है यहां पर। शेफाली की शक्ल से ही पता चल रहा था कि उन्होंने एज ढूंढ लिया था। पहला विकेट तूबा को मिलता हुआ, शेफाली महज 16 रन बनाकर आउट हो चुकी हैं। शेफाली 16 रन बना के आउट हुई है। डाउन द ट्रैक आई स्मृति मांदना, ऊंचाई मिली दूरी भी मिली और इसी के साथ अर्धशतक भी पूरा किया। लाजवाब बैटिंग स्मृति मंदाना की, बहुत ही शार्प, बहुत ही सुंदर हाफ सेंचुरी। जिस तरह से शुरू से स्टोक्स के लिए उन्होंने पहुंची ही नहीं, बिल्कुल एक नथिंग शॉट मेघना के द्वारा, विकेट गवा दिया है अपना। 14 रन बना के आउट, 94 पर 2 भारत। स्मृति मांदना मैच खत्म करती हुई इस बाउंड्री के साथ और भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम 2022 में पहली जीत दर्ज कर ली है। शफल करके अक्रॉस गई स्मृति मांदना और पिक किया अपने स्पॉट को। सेलिब्रेशन भारतीय खेमे में और क्यों ना हो, सेलिब्रेशन स्टैंड्स में भारतीय फैंस के द्वारा एक बेहतरीन पारी स्मृति मांदना की, नाबाद पारी और जीत भारत के।